हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने अमेजोन से एक पार्सल बुक किया था जो अभी आ चुका है। दोस्तों मैंने मंगाया था एक LED कंट्रोलर। दोस्तों आइए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइज इसको खोलने के लिए हमको सबसे पहले कटर का ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी अभी आया है पार्सल। गाइज यह बहुत अच्छे से खुल चुका है। कुछ इस तरीके से हमारा पैकिंग मिलता है। देखिए ना, दो छोटा छोटा कंट्रोलर है, इसके लिए इतना बड़ा डब्बा, देखिए कितना है इसमें। गाइज इसको हम लोग पहले इसको दिखाते हैं, अच्छे से इसके बारे में बताते हैं। मैंने दो मंगाया था जिसको हम 194 रुपया पड़ा था दोनों का, लगभग 100 रुपया मानिए ना दोनों का फ्री डिलीवरी। दोस्तों ये इतना छोटा सा है LED कंट्रोलर, और एक ये है, एक में तो सिंबल दिया ही नहीं, पता नहीं क्यों फ्रॉड कर देता है। ये टेस्ट करते हैं इसको, देखते हैं कैसा ये वर्क करता है। गाइज इसको हम लोग 5 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट के बीच में भी चला सकते हैं बैटरी से, या फिर एडाप्टर से भी चला सकते हैं 5 से 24 वोल्ट के बीच में। तो गाइज मेरे पास अभी ड्रोन का बैटरी है 12 वोल्ट वाला, तो इसी से चलाने वाले हैं, और कुछ LED लाइट जिसमें मैं रेजिस्टेंस लगाया हूँ, ये जले ना 12 वोल्ट पे। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे दो केबल दिख रहा है दो तरफ से। दोस्तों एक तरफ से ये बैटरी इनपुट है और ये आउटपुट देगा LED के लिए। तो आइए एक का चेक करते हैं, उसके बाद दूसरा चेक करते हैं। गाइज मैंने एक LED कनेक्ट कर दिया, अब डायरेक्ट उसको पावर सप्लाई करूँगा बैटरी से, देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। तो गाइज ये वाइट सा जल रहा है, यहाँ पे स्विच दबा करके देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। मोड स्विच सबसे पहले मैं दबा रहा हूँ। तो गाइज ये ब्लिंक होने लगा, देखिए। गाइज इससे हम लोग ब्राइटनेस बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसका एक लाइट ब्राइटनेस का स्विच है, एक स्पीड का स्विच है, और एक मोड है जिससे हम लोग ब्लिंकिंग स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। गाइज अब दूसरे वाले का हम लोग चेक कर रहे हैं, ये वाला तो हम लोग चेक कर लिए, ये वाला अब दूसरे वाला मॉड्यूल चेक करते हैं। इसके लिए मैं ये जंपर वायर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसका एक कनेक्टर जो है ढीला हो चुका है, बार बार ये ठीक से कनेक्ट नहीं होता है, जिसके कारण इसका सर्किट डिसकनेक्ट हो जाता है और ठीक से ब्लिंक नहीं कर पा रहा है। अभी परमानेंट हो जाएगा सही से। सो गाइज ये लग चुका है, ये ग्रीन सा जल रहा है, देखिए। अब यहाँ मोड स्विच टिपेंगे, ब्राइटनेस घट गया, कैमरा में उतना आ नहीं रहा होगा, पूरा बढ़ गया। अब इसको मोड स्विच टिपेंगे, ये ब्लिंक करेगा, करने लगा। एक स्विच से हम इसका ब्राइटनेस घटा बढ़ा भी सकते हैं, देखिए बंद हो चुका है, ब्राइटनेस कम गया। तो इस तरीके से काम कर रहा है ये। गाइज ऐसा समझ लो कि ये 100 रुपीज़ में दे रहा है पर पीस। फ्लिपकार्ट पे 250 रुपया बता रहा था दो जोड़ा का, और अमेजोन पे हमको अंडर 200 में दो पीस मिल गया। तो गाइज हम इसको यूज़ करने वाले हैं, जो पीछे हम लोग का बैकग्राउंड में जो ड्रोन दिख रहा है ना, उसमें यूज़ करने वाले हैं, उसमें उसके चारों आर्म में लाइट लगाने वाले हैं, कितना मस्त लगेगा। गाइज दोनों को एक साथ जोड़ के देखते हैं कैसा वो रन कर रहा है। गाइज इसको मिनिमम 5 वोल्ट चाहिए चलने के लिए, मैक्सिमम 24 वोल्ट। गाइज मैंने दोनों को जोड़ दिया है। गाइज दोनों जुड़ चुका है, एक ग्रीन और एक वाइट। इसको मोड स्विच टिपते हैं, देखते हैं चेंज हो रहा है कि नहीं इसका ब्लिंकिंग। ये भी चेंज हो चुका है, डायरेक्ट भी इसे चला सकते हैं आप, इसे ब्लिंक भी करवा सकते हैं इसको।
यहाँ से इसका स्पीड भी चेंज कर सकते हैं आप लोग। ये देखिए गाइज, इसको लगाएंगे ड्रोन में बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ड्रोन में लगाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।